सुबह की चाय के बाद मैं चला गया आज के आर्ट के लिए मॉडल ढूंढने। मैंने एक गाय की तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया बट उसने मुझे ऐसे रिजेक्ट कर दिया जैसे कि कॉलेज में लड़कियों ने। फिर बहुत मनाने के बाद और बहुत घास डालने के बाद यह मॉडलिंग के लिए तैयार हुई। गाय ने एकदम प्रोफेशनल मॉडल की तरह पोज दिया बट इसकी हंसी ने उसका मूड ऑफ कर दिया और वो नाराज होकर चली गई। सारी गाय मेरे काम पर नज़र बनाई हुई थी और बाद में जब उनको मैंने काम दिखाया तो उनको काफ़ी पसंद आया। फिर ब्रेकफास्ट करके अपना ऑल ओकेजन कुर्ता पहन के मैं चला गया हल्दी सेरेमनी, जहाँ दुल्हन को मैंने कैनवस की तरह पेंट किया और फिर मैं खाने बैठ गया दाल भात। दाल भात की कैलोरीज को बर्न करने के लिए मैंने कर लिया थोड़ा सा डांस, पहले थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। मेरी कज़न ने सोचा कि ये बहुत बड़ा आर्टिस्ट है तो बहुत बढ़िया मेहंदी लगाएगा और फिर बाद में मुझे उसका स्केच बनाना पड़ा। फिर मैंने थोड़ी सी स्केचिंग प्रैक्टिस और की। अगले दिन तैयार होकर मैं निकल पड़ा अपनी कज़न की शादी अटेंड करने। रस्ते में बच्चे और उनका बैग देख के यार सारा बचपन याद आ गया। पहाड़ी शादियों में भाई इंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होती। शादी में जाने का मकसद मैं कभी नहीं भूलता और मैंने भी यहाँ पेल के खाया और फिर गिल्ट में थोड़ा कार्डियो करके मैं गाड़ी में जाके सो गया। मेरे कुछ रिश्तेदारों ने मुझे टोपी पहनाने की कोशिश करी। रिश्ते की आड़ में मुझसे फ्री स्केच मांग रहे थे और मैंने गुस्से में उसकी गुत्थी पकड़ ली। भाई पहाड़ में थोड़े से कष्ट हैं बट यहाँ के लोग बड़े मस्त हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। बाय एंड सी यू सून।